नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग इंडिया। पाकिस्तानी रुपए में जारी गिरावट थमने का नाम ही नहीं ले रही। इसकी मार सबसे ज्यादा आम आदमी झेल रहा है। गिरते रुपए के कारण पाकिस्तान में महंगाई बहुत बढ़ रही है। पाकिस्तानी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वहाँ का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 9% के ऊपर बना हुआ है, जिससे लोगों को खरीदने की क्षमता कम हो रही है। वहीं अब पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर महंगाई को रोका नहीं गया तो देश के आर्थिक हालात काबू से बाहर हो जाए। आपको बता दें कि SBP ने ब्याज दरें बढ़ाकर 12.25% कर दी है। ये कदम महंगाई को काबू करने के लिए ही उठाया गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में फिर से तेज गिरावट देखने को मिल रही है। गुरुवार को पाकिस्तानी रुपया फिर से अपने अब तक के निचले स्तर 153 रुपए पर आ गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी मई में पाकिस्तान का रुपया दुनिया में सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान में ईद की छुट्टी के चलते पिछले हफ्ते लंबे समय तक रुपए में कारोबार बंद था। पाकिस्तान रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान में दूध के दाम 180 रुपए प्रति लीटर, सेब के दाम 400 रुपए किलो, संतरा 360 रुपए और केले 150 रुपए दर्जन बिक रहे हैं। पाकिस्तान में मटन 1100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा जारी ये चेतावनी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की ओर से पाकिस्तान को मिल रहे 6 अरब डॉलर के पैकेज के दौरान जारी की गई। ऐसे में इस पैकेज को लेकर और जटिल हालात बन सकते हैं। माना जा रहा है कि पैकेज मिलने के बाद ब्याज दर अधिक हो जाएगी, जिससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।